तेजस्वी साधो ने साधा भाजपा पर जमकर निशाना, कहा ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, 400 पार की बात करते हैं, अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था। उन्होंने इस चुनाव को संविधान को बचाने का चुनाव करा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने बड़वानी पहुंची पूर्व मंत्री एवं खरगोन लोकसभा प्रभारी विजयलक्ष्मी साधो भाजपा पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि ये लोग सभी जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है, उसकी शुरुआत 2018 में हो गई थी, जब मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट देकर सरकार बनाई थी। उसे 15 महीने भी चलने नहीं दिया और शाम दाम दंड भेद डिवाइड एंड रूल को अपनाकर पिछले दरवाजे से भाजपा ने शिवराज मामा की सरकार बना ली। वहीं परंपरा का निर्वहन करते हुए देश में जगह जगह जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हम लोग इसके खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। पोरलाल खरते जो एक सुलझावा आदमी है, उन्हें कांग्रेस ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया। साथ ही ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बदलने की बात करते हैं, 400 पार की बात करते हैं, लेकिन इस देश में अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। ये अभी माघ मस्त है, माघ मस्त होकर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों के बीच के हैं, गरीब परिवार के हैं, गरीब परिवारों के बीच में अपनी बात रखेंगे, अपने नेता की बात रखेंगे। ये चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का नहीं, अस्तित्व का चुनाव है, भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। चुनाव का बिगुल बज गया है, लोकसभा पार्लियामेंट चुनाव का, और खरगोन बड़वानी जिले में हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेताओं ने, खड़गे जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी और प्रदेश के नेता दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इन लोगों ने भाई पोरलाल खरते जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। और हम सब, मुझे लोकसभा का यहाँ का प्रभारी बनाया है, झूमा सोलंकी जी हमारी विधायक बिकन गांव, राजेंद्र भाई, हम लोग सब उनके क्षेत्र में आए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर मोबिलाइज कर रहे हैं। और सभी लोग जानते हैं, खैर बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, कि देश के अंदर जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो घोटा जा रहा है गला, ये तो शुरुआत जब हो गई थी 2018 में, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट देकर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, 15 महीने भी इसको चलने नहीं दी और शाम दाम दंड भेद करते हुए डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने जो परंपरा अपनाई थी उसी के अनुरूप चलते हुए पिछले दरवाजे से घुसकर शिवराज मामा ने और मोदी जी और अमित शाह जी ने इस प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का गला घोटकर जो यहाँ पर भाजपा की सरकार पिछले दरवाजे से बनाई, वही परंपरा ये निर्माण करते हुए जगह जगह जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं,